अभी के अभी वजीर आला के लिए सोने से भरी 100 हाथ गाड़ी का इंतजाम करो। जी बेहतर है। हमें आपके सोने की जरूरत है। जिस किसी का आप जैसा अजीज और सच्चा दोस्त हो उसे किसी और चीज की क्या जरूरत है, लेकिन आप उन सच्चे और जिद्दी दोस्तों में से हैं जो हमें सोना दिए बिना मानेंगे नहीं। अब आपने मुझे पहचाना, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं जरूरतमंद दोस्त के लिए जरूरत से भी ज्यादा करता हूं। वाह अली साहब, वैसे वजीर आला को इतने सारे सोने की जरूरत किसी खास वजह से होगी, है ना? हाँ, बड़ी वजह है। आप से क्या कहें हम? कहिए वजीर आला, कहिए, बताइए क्या वजह है। क्या कहें अब आप? हमारे बादशाह सलामत मरहूम चले तो गए, लेकिन बगदाद पर इतना बड़ा कर्जा ढा कर गए कि उसकी कोई हद नहीं। अब हम बगदाद के वजीर आला होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम इस कर्ज को चुकाएं, फिर उसके बाद शहजादी यास्मीन से निकाह करें। और इत्मीनान की जिंदगी जिए। इतने नेक ख्याल हैं आपके, मैं अभी के अभी 100 हाथ गाड़ी नेक, मेरा मतलब है सोना मंगवाता। मेरे होते हुए मेरा दोस्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर अकेले नहीं उठाएगा। नाजुक? बेहतर है अली साहब। वैसे मालिक, ये 100 गाड़ी सोना तोहफा होगा या कर्जा? हम दोस्त हैं, कोई लुटेरे नहीं। अरे इतना सारा सोना ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे। कर्ज लिया है तो चुकाएंगे भी जरूर। पर मालिक, कर्जे के लिए तो इन्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। झुमरू, वजीर आला हमारे दोस्त हैं, तुमने सुना नहीं? और दोस्त से कुछ गिरवी नहीं रखा जाता, दिल निकाल कर हथेली पे रखा जाता है। क्या बात है। बेशक अली साहब, और वैसे भी जो इंसान सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ हो वो क्या गिरवी रखेगा। नौकर हो, अपनी औकात मत भूलो। हम कर्जे में ही सही, लेकिन आज भी बगदाद के वजीर आला हैं,
कर्ज लेंगे तो कायदे से लेंगे। फरमाएं क्या चाहिए आपको? वजीर आला, आप भी कहां इस नौकर की बात को दिल पे ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई की बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की अदा है, अदा दिखा दी। अब बताइए आपको क्या गिरवी रखवाना है? जिसका सब कुछ छिन गया हो वो किसी को क्या दे सकता है? मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मेरे मालिक को दे सकते हो? मेरे पास मेरा भाई है और मेरे भाई के पास उतना है जितना तुम्हारी 100 पुश्तों ने भी नहीं देखा होगा। उतना क्या? उतना कर्जा? उतनी दौलत? उतनी दौलत? तो फिर इन्हें बगदाद की फिक्र क्यों है? इन्हीं की दौलत से बगदाद का कर्जा चुका दो। हमें कुछ गिरवी नहीं रखवाना क्योंकि हमें तुम्हारी सोने से भरी 100 हाथ कारियां नहीं चाहिए। जुनैद, 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 संभालो अपने आप को, संभालो। वजीर आला, आप भी खुद को संभालिए। वजीर आला, इस उम्र में मेरा मतलब है कि वक्त वक्त अभी ठीक नहीं चल रहा आपका, तो इस वक्त में गुस्सा करना भी ठीक नहीं होगा। और बुरा वक्त तो सबका आता है, अभी आपका आया हुआ है। लेकिन आप परेशान मत होइए, मुझसे आप सोना ले लीजिए, बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं आपकी तंग हाली के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगा। तंग हाली? अली साहब, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि बगदाद सबसे रईस मुल्कों में गिना जाता है? ये गिनती गलत है, आप ही ने कहा वजीर आला कि बगदाद तो सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। वो गिना जाता था, पूरी बात पहले सुन लिया करो नौकर। वक्त मस्जिद की सीढ़ियों की तरह होता है, कभी इंसान को ऊपर ले जाता है तो कभी नीचे। और फिलहाल हम नीचे पड़े हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऊपर पहुंचाने ही तो आया हूं। मेरा मतलब यह है कि मेरे लिए 100 सोने की हाथ गाड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मालिक, बात बड़े या छोटे की नहीं है, बात है असूलों की। आप अपने सौदे के असूल तोड़ देंगे? एक गरीब दोस्त के लिए कुछ भी। जुमरू, गरीब? जी आप। तभी तो मेरे मालिक आप पर तरस खाकर आपको ये सोना दे रहे हैं। बहुत हो चुका बदतमीज, एक लफ्ज भी आगे कहा तो। अब हमें बताएं अली साहब, क्या लेंगे आप सोने के बदले? कुछ भी नहीं ना। हम तो देंगे, बताइए।
वाकई मुझे कुछ भी नहीं देना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो देंगे। वजीर आला, आप मेरे दोस्त हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सही बात है मालिक, कर्जा चुकाने के लिए तो ये कर्जा ले रहे हैं, ये किसी को क्या दे सकते हैं? आपके पास तो इस महल के अलावा कुछ नहीं है। बात अब हमारी इज्जत पर आ चुकी है, हम कुछ ना कुछ तो गिरवी रखेंगे। हमारे पास ये है बगदाद का महल, महल। अगर बात आपकी इज्जत की है तो मैं आपसे ये महल गिरवी रख लेता और बदले में 100 सोने से भरी हाथ गाड़ी आपकी। भाईजान, महल। भाईजान, हम इसे भाई जान। हम इस महल को आपके पास भाई जान गिरवी रखते हैं। हाँ जुनैद जी, हाँ हम जानते हैं कि आप खुशी में तालियां बजा रहे हैं क्योंकि इनके भाईजान अब बगदाद का कर्जा जो चुका पाएंगे। लेकिन वजीर आला कुछ बोल नहीं रहे। मालिक, लगता है बगदाद का महल गिरवी रखने का बड़ा फैसला लेने की इन्हें इजाजत नहीं है। जुमरू, वजीर आला का पता नहीं पर मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बातें करने की इजाजत तुम्हें नहीं है। जी, पीछे जाओ। गुस्ताखी माफ हो मलिक। वजीर आला, देखिए मैं दोस्ती और काम अलग रखता हूँ, पर चुमरू जो कह रहा है वो सच है तो मैं अपने उसूल बदल सकता हूँ। मुझे ये महल नहीं चाहिए, मुझे आपसे हमदर्दी है, मैं आपको ऐसे ही कर्ज दे दूंगा। जुमरू, मैं सौदागर बाद में हूँ, इनका दिलदार दोस्त पहले, और मुझे अपनी दोस्त की बेचारगी देखी नहीं जा रही। बेचारगी अली साहब, हम कुछ भी हो सकते हैं, बेचारे नहीं। हम कर्ज लेंगे तो कायदे से, हम बगदाद के वजीर आला हैं और बगदाद के होने वाले सुल्तान भी। इस महल पे हमारा उतना ही हक है जितना ऊपर वाले का इस दुनिया पर, और इस महल का एक एक कोना हमारा है।
वैसे ज्यादा कोने नहीं है इसमें। मालिक, आपकी हथेली जितना तो है। ये बगीचा देखिए, इस बगीचे से बड़ा तो आपके महल में आपका गुसलखाना है। और ये छत देखिए, इससे बड़ा तो आपके महल में मेरा कमरा है। इसे महल नहीं, बड़ा मकान कह सकते हैं। और इस बड़े मकान के लिए 100 हाथ गाड़ी सोना ज्यादा है अली साहब, ये फायदे का सौदा नहीं है। जुमरू, कुछ सौदे फायदे के लिए नहीं, दोस्ती के लिए किए जाते हैं। और वैसे भी मैं वजीर आला से वादा कर चुका हूं। पर वजीर आला तो कुछ बोल ही नहीं रहे मालिक। मुझे नहीं लगता इन्हें सोने की जरूरत है। अगर जरूरत होती तो सौदा पक्का करने में इतनी देर क्यों लगाते हैं? अली साहब, 100 हाथ गाड़ी सोने के बदले हम बगदाद का यह महल आपके पास गिरवी रखते हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाकर तो सौदे को कबूल करें। नहीं, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं तो गले मिलूंगा। तेरी मक्कारी ने सिखाया है कि पीठ में छुरा घोंपना है तो पहले गले मिलना पड़ता है। हम कब छुरा भोग देंगे तुम्हें खबर भी नहीं होगी लड़के। हम किसी का एहसान नहीं लेते, हम तो सिर्फ देते हैं धोखा। तेरे धोखे और दुनिया के ठोकरों ने मासूम अलादीन को खिलाड़ी अली बना दिया है, और ये इस खिलाड़ी की पहली चाल है। तैयार हो जा जफर, क्योंकि अब मैं तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मात देने वाला हूं। बेहतरीन बेहतरीन मालिक, सौदा पक्का हो गया है तो कागजी कार्रवाई भी कर लेते हैं। बात समझ में नहीं है। ये सौदा तो आप ही हुआ ना, तो फिर तुम्हारे पास ये कागज पहले से कैसे तैयार था? ये सौदा तो आप ही हुआ ना, तो फिर तुम्हारे पास ये कागज पहले से कैसे तैयार था? मालिक, ये जानते नहीं है कि आप कितने रईस हैं। ऐसे कई महल मालिक के पास गिरवी रखे हुए हैं। ये तो चलते फिरते कब क्या सौदा कर बैठे, ये तो या तो अल्लाह मियां जाने या ये। इसलिए मैं हमेशा तैयारी के साथ चलता हूं।
मुबारक हो मालिक, आज से बगदाद का महल आपका हुआ। ये महल हमने गिरवी रखा है, आपको हमेशा के लिए बेच नहीं दिया है। हमेशा का तो पता नहीं जुनैद भाई, मैं तो आज में जीता हूं और आज ये बगदाद का महल मेरे मालिक अली साहब का है। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनैद भाई, ये मेरा महल है। बगदाद का महल मेरे मालिक अली साहब का है। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं जुनैद भाई, ये मेरा महल है। लेकिन आप मेरे दोस्त हैं तो इस महल में आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। अब ये सौदे औदे की बात बहुत हुई वजीर आला, अब जश्न की बात करते हैं। बेहतरीन जश्न मनाते हैं, चलिए। बेहतरीन कहा था कि इस अले की जासूसी करना। भाई मेरे भाई अलादीन की हमशक्ल। जुनैद जी, मैं किसी जरूरी काम से वजीर आला से मिलने आया था, पर वजीर आला तो किसी और काम में मसरूफ लग रहे हैं। जरूरी भी और खुफिया भी। खुफिया? तभी वो अली साहब से कोने में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। इंसान मोहब्बत में क्या क्या नहीं कर बैठता। मोहब्बत? इसका मतलब अली साहब से वजीर आला मोहब्बत कर। तुम्हें सब समझ में आ गया? चुपचाप खड़े रहो। देखिए अली साहब, दरअसल हम चाहते हैं कि हमारे इस सौदे के बारे में किसी को खबर ना हो। बात यूं है कि अगर आवाम को इसके बारे में पता चल गया तो वो खामखा उंगलियां उठाएंगी मरहूम बादशाह सलामत पर, और हम ये नहीं चाहते। इसलिए आपसे इल्तजा है कि इस रास को आप अपने तक ही रखिए। दिल में इतने राज दफन है वजीर आला कि एक भी राज सामने आ गया ना तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। एक राज और सही। बेहतरीन। तो चलिए, वो 100 हाथ गाड़ी सोना लेकर आप रेगिस्तान की किसी खुफिया जगह पे हमसे मिल लीजिए। हम हमारे भाई जुनैद को भेज देंगे ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। वजीर आला, मुट्ठी भर सोना देने मैं जाऊंगा? मजाक अच्छा करते हैं आप। ये जुमरू है ना, ये काम को संभाल लेगा। आप भी क्यों अपने गोलू मोलू भाई जुनैद को जहमत दे रहे हैं? कोई नौकर वौकर हो तो उसे भेज दीजिए। नौकर? हाँ नौकर। वजीर आला और अली कोई जरूरी बात कर रहे हैं। क्या जरूरी बात कर रहे हैं?
शहजादी के खातिर ये पता लगाना होगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाय, अली की बदौलत सोने से कीमती जिम्मेदारी, अपनी काबिलियत दिखाने का मौका और जिंदगी की हर खुशी। हाय, मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। शुक्रिया अली साहब। बस अब वजीरे आला का दिया हुआ ये काम अच्छे से करूंगा और आपकी जासूसी भी अली साहब। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। इस पागल को क्या दौरा पड़ा है? से अली के बदौलत कोई सोने से जिम्मेदारी मिली है, लेकिन ये मुझे कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। कुल्लू को इसी से जुड़ा हुआ कोई काम मिला है। इस अली का पर्दा तो अब मैं फाश करूंगी। अभी आगे का सुराग मुझे ये गुड्डू ही देगा। ये देखो चचा, देखो हमारे आका की पहली जीत का सबूत जो मेरे पास है, क्योंकि आका की जीत के वक्त मैं उनके साथ था, तुम नहीं। आका को यकीन हो गया है कि मैं ही उनका सबसे जिम्मेदार चिन्ह हूं। बकरी की तरह मैं करना बंद करो। तो बहुत खुश हूं, आका को महल मिल गया। पर आका हम दोनों को साथ क्यों नहीं लेकर गए? साथ रहने का तो हमें 1500 साल का तजुर्बा है, पर आका हमें साथ ही नहीं रखेंगे। वो तजुर्बा इस झुमरू की तरह बेकार हो जाएगा। आज तो तुम्हारी ये कड़वी कड़वी बातें भी मेरी मीठी खुशी को कड़वा नहीं कर सकती है, इसलिए कोशिश भी मत करना। आका सबसे ज्यादा यकीन मुझ पर ही करते हैं, इसलिए कल रेगिस्तान वाले काम की जिम्मेदारी भी मुझे ही सौंपी है। क्या? क्या? तो हम क्या करेंगे? मेरी मदद। तुम तीनों मेरी टोली के समोसे के 3 कोने जैसे, एक भी कोना टूटा पूरा समोसा टूट जाएगा। मुझे तुम तीनों की जरूरत है। रात दिन तुम जानते हो सोने से बेहतर क्या होता है? मिर्ची का जवाब नहीं और सोना। तो बहुत जल्द हमारे पास आने वाला है और फिर हम हमारे असली मकसद तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। इतना उड़ेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे आकर। मेरा मतलब मुझे अभी भी उस अली पे शक है। तुम्हें शक है और हमें हक है इस दुनिया पर, इस सोने पर, इस पूरी कायनात पर। चलो अब तुम जल्दी से इसे सोने का बना दो। सोने में? आका भाला चाहे सोने का हो या लोहे का, काम तो भाले का ही करेगा।
बातें कम जादू ज्यादा। लेकिन आका आप फौरन हमारे हुक्म की तामील की जाए। नामा खोल। वाह, गुलाब के फूल से सीधे नामा खोल। सच में लालच बहुत बुरी बला है। खैर, लालच ने डाल दिया है इनके दिमाग में ताला। बन जाए ये सोने का, ऐसा चाहते हैं वजीर आला। बेहतरीन बेहतरीन, ये चमक ये दमक। खुशियों में पड़ गया नमक। कसम खुदा की हम कह रहे हैं, हमारा दिल करे तो हम इस पूरी दुनिया को सोने का बना दें, तुम्हें सोने का बना दें। क्या कहा? मजाक कर रहे हैं। हीरे को कभी सोना बनाया जाता है? सच में लोग इश्क में दीवाने होते हैं, मेरे आका लालच में दीवाने हो गए। अब जबरदस्ती सही लेकिन उनके होश ठिकाने लाने पड़ेंगे। ये क्या बेहुदा मजाक है? चलो फौरन तारीख करो हमको यहां। नहीं आका, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे इसलिए मुझे ये करना पड़ा। कहते हैं जिन जिन्नात का दिमाग इंसानी दिमाग से काफी तेज होता है, और इस वक्त मेरा दिमाग ये कह रहा है कि आपने ये जो सौदा किया है अली के साथ, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो पक्का होगी। मैंने जफर से गुलबदन को रेगिस्तान भेजने के लिए तो मना लिया, लेकिन कोई है जो गुलबदन को अकेला नहीं जाने देगा? आका, ये काम उस गधे गुलबदन के बस का नहीं है, क्योंकि मुझे अली पे यकीन नहीं है। और मुझे जिनू पर पूरा यकीन है कि वो अपनी टांग मतलब बीच में जरूर आएगा। जफर की आंखों में लालच की पट्टी थोड़ी देर के लिए तो बन गई है, लेकिन जिनू सब कुछ देख सकता है। वो गुलबदन के साथ जाएगा। ना गुलबदन दूल्हा है और ना तुम उसके बाराती, कि तुम्हें उसके साथ जाना इतना जरूरी है। मैं फारिग करो यहां से। आका, बात समझ नहीं रहे, मुझे अली पे यकीन नहीं है। उफ, 10 मरतबा तुम हमें ये बात कह चुके हो, हम समझ चुके हैं, लेकिन तुम इस बात पर गौर फरमाओ कि हमारे लिए वो सोना लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने असली मकसद तक पहुंच सकें। आका, आप सोना लीजिए, अपने असली मकसद तक पहुंचिए, लेकिन अली को बिना बताए मुझे उस गधे गुलबदन के साथ जाने दीजिए। आपको लगता है कि जफर मानेगा? जिनू मना लेगा, आखिर भाई किसका है? आपका मासूम प्यारा भाई। आका, मैंने ये जो आपको फंसाया है, क्या आपके भले के लिए फंसाया है? आका, एक बार आप कबूल कर लीजिए, कह दीजिए कि मैं गुलबदन के साथ चला जाऊं आपके असल मकसद के लिए। आप भूल रहे हैं अपना असली मकसद, जो इतना अजीम है, इतना अजीम कि आपने मुझे तक नहीं बताया। आका, अपने असली मकसद के लिए। तुम्हें क्या भूलने की बीमारी? हमने तुमसे कहा था ना, सही वक्त आने पर हम तुम्हें बता देंगे। कहा था? नहीं, पहले आप कबूल कीजिए। जफर मियां, वजीर बगदाद, आकाए जिन, बताइए आपको अपने जिन की दरख्वास्त कबूल है? बोलिए, कबूल है? कबूल है। हम तुमसे निकाह कर रहे हैं। कबूल है, कबूल है, लगा रखा है तुमने।
हमें यहाँ से फारिग करो और तुम्हें देश के साथ जहाँ जाना है तुम दफा हो जाओ यहाँ से, फारिग करो हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आका आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन सबसे अच्छे आका है, अभी फारिग करे देते। तुम खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? जाओ जो हुक्म मेरे आका। अब तुम्हारे हवाले जिनू साथियों, कल सोने के लालचियों को सोने जैसी धूप में चांद तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी अली नहीं। शहजादी नहीं है तो ये कमरा, ये महल, यहाँ तक ये फूल भी मुरझा गए हैं। अल्लाह करे वो हिफाजत से जल्द घर वापस आ जाए। चलना नहीं छोड़ा, दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा, फिर तुम और मैं मिलना कैसे छोड़ दें? दिल दिल में बसा है ऐसे पत्थर पे लकीर जैसे, इससे बचना है मुश्किल, बच के जाए कैसे? जी शुक्रिया। आपको तो चोट, आपको तो चोट लगी है, इस पे दवा लगाइए। रुकिए मैं लेके आता हूं। वजीर आला, खुदा के लिए इन मोहतरम को मेरी नजरों के सामने से हटाइए, इनसे मुझे गरीबी की बू आ रही है। नहीं कैसे कैसे भिखारियों को आप नौकरी पर रख लेते हैं। अरे मैंने आपसे कहा ना आपको चोट लगी, आप फिर से काम करने लगी। ये मुझे दीजिए, मैं करता हूं, आप हकीम के पास जाइए। मुझे मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वालों से सख्त चिढ़ है। और मुझे मेरा काम करने से रोकने वालों से।
आप तो बड़ी जिद्दी हैं। आपसे तो कम ही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे हकीम साहब के पास भेजने पर तुले हुए। क्या मेरी अम्मी? पता नहीं क्यों मुझे हकीम साहब के पास भेजने पर तुले हुए। क्या मेरी अम्मी? बड़ी बदकिस्मत होगी वो अम्मी जिसने तेरी जैसी औलाद को जन्म दिया। पता नहीं कैसी परवरिश दी है तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने। की उम्र की है? उस दिन आपने मेरी अम्मी की परवरिश पर उंगली उठाई थी ना, मैंने तब कहा था, आज मैं साबित करना चाहता हूं कि मेरी अम्मी इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी। और उन्होंने मुझे अच्छी बातें सिखाई हैं। और हाँ, गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना भी। और पता नहीं क्यों इस महल में बुजुर्गों को काम पे रखा हुआ है। बुजुर्ग? इंसान अपनी उम्र से बुजुर्ग या जवान नहीं होता, अपने दिल से होता है। मैं भी पता नहीं किन बातों में उलझ गई। अब तक तो मुझे ही अकल आ जानी चाहिए कि कौन चीजों पर इतनी धूल जम चुकी होती है कि उनके साफ होने की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। बाप रे, अम्मी का गुस्सा अभी भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था। दरअसल मैं ये कह रहा था कि एक उम्र आती है जब बातें और काम दोनों कम कर देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपकी वो उम्र 2-3 बरस पहले ही हो चुकी है। अब बरसेंगी गुस्से की आग। बदतमीज जी। आपने वो मेरे मोहल्ले में कुछ लड़के हैं, कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि मन करता है जोर से उनका कान खींच लूं, पर आप वो उनके जैसे 10 भी आ जाए ना तो भी मेरी उम्र में मैं उनसे ज्यादा काम कर सकती हूँ। और वो मेरी उम्र की बात करते हैं पर आप नहीं। मोहल्ले के बच्चे जी। वाह वाह मी वाह, क्या डांटा है, क्या सुनाया है। इतनी परेशानियों के बाद भी अम्मी टूटी नहीं, शुक्र है। पर अब जब मैं इतनी दौलत ले आया हूं तो मैं अपनी अम्मी को इस उम्र में तौबा तौबा, अम्मी का गुस्सा तौबा तौबा, उम्र की बात मत करना। लेकिन मैं अपनी अम्मी को इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकता, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। सुबेदार गुलबदन जी, हमारे भाई जुनैद खान आपके साथ रेगिस्तान जाएंगे, और इस बात का ख्याल रहे कि इनके हर हुक्म की तामील की जाए। पर क्यों वजीर आला? मेरा मतलब वजीर आला, जुनैद जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये काम मैं अकेले करके आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मैं मौका दूँ। पिछले जितने भी मौके मिले उस पर पानी फेर दिया, अब और मौके चाहिए। सुबेदार साहब मजाक कर रहा हो, मैंने सोचा इतनी बड़ी मुहिम में जाने से पहले थोड़ा मजाक कर ले। चलिए चल के देखते हैं कि रेगिस्तान में क्या हो रहा है, आपकी काबिलियत और ये सब बाद में देख लेंगे। आइए जाओ बहादुरो, कामयाबी हासिल करके आना जरूर। सुबेदार साहब चलिए। मैं जानता था जिन्हों कि तुम गुलबदन के साथ जरूर जाओगे। मेरे गोलू मोलू भाई, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, भाई हूं, और बड़ा भाई बड़ा भाई होता है।
पतला है वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो चम जाए। जुनैद जी, किसी जानवर की आवाज लगती है। कोई बात नहीं, आप यही रुकिए, मैं अभी देख के आता हूँ। हाँ, चलिए। आका, 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 उठिए आका, उठिए, उठिए। क्या हुआ आका, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक तो है, बस सुबह सुबह चिल्लाने की आदत हो गई हमें। यहाँ से हम जा रहे थे, अचानक हमारे सर पे कुछ डोंगे या बर्तन जैसा गिर पड़ा। बर्तन जैसा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं। लगता है आका, सोने की ख्वाहिश में आप सोना भूल गए। कोई बात नहीं, आप जाइए, आप आराम फरमाइए, मैं जल्दी आता हूँ, ठीक है? सुनो, सोने के बिना वापस लौटे ना। नहीं नहीं नहीं, आता सुमेधार साहब, चलिए, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक, चलिए। उसी जानवर की आवाज आ गई है ना? कोई बात नहीं, आप फिर से यहीं रुकिए, मैं देख के आता हूं। क्या हो क्या रहा है? आका, अरे क्या हो गया? आका उठिए, क्या हो क्या क्या? कोई हमारा गला घोटने की कोशिश। गला? शायद ये पर्दा। परते? पहले कोई चीज और अब ये परते? आका, आका मुझे लगता है ये आपके ना सोने की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पे कोई तो है जो जादू कर रहा है। और ऐसे सूरत हाल मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि एक चिन्ह के लिए अपने आका से कीमती कोई नहीं होता है। और उस बेवकूफ गुलबदन को कह दूंगा कि वो खुद ही अकेले चला जाए। आप चलिए, आप आराम करिए, आइए आइए आइए। आगे का काम अंगूठी छाप संभालेगा। बाहर में गई तरक्की और बाहर में गए वजीरे आला। मुझे पहले ही पता होता कि यहां इतनी गर्मी होने वाली है तो मैं यहां कभी आता ही नहीं। इसलिए वो जुनैद यहां आने से मुकर गया होगा। या अल्लाह, ये बेरहम धूप कहीं मेरे इस गोरे चेहरे को काला ना कर दे। पता नहीं यहां कोई सोना आने भी वाला है या। Yeah.
सोना, 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 सोना। ये कितना सारा सोना है? नहीं, मटर है छिला हुआ, बना के खा लेना। ये मटर है? ये मटर है? सोना है बेवकूफ। जो कहता है ना वही होता है खुद। वो क्या है ना, ये मुझे जानते नहीं है। जानते होते ना तो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत ना करते, है ना? बताओ, जानते हो ना? जानते हो ना? जानते हो ना? नहीं जानता। कौन है तू? खैर, अब महल में हर रहरे गहरे का नाम पूछता रहूंगा तो काम कब करूंगा? सही बात है ना? बात तो सही है। अबे मैं बंद करो, मैंने तुम्हें सोना दे दिया, मेरा काम हो गया, इसे संभालो और मैं चलता हूं। पहले मैं इन हाथ गाड़ियों को गिन तो लूं। तुम गिन लो, सपने बुन लो, फूल चुन लो, जो करना है करो, मैं चला, अल्लाह हाफिज। देखा, कहते गिन लो, चुन लो, बुन लो। बड़ा दिलचस्प शख्स है ना? तुम लोगों को हंसी में तो नहीं आती क्या? खैर, मैं गिनता हूं। एक, दो, तीन, और ये चार, तो ये चार, नहीं तीन। एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। बिल्ली बोले म्याऊ बार बार। सत्य सब पत्थर दिला। सुनो, इससे पहले हम यहाँ भुट्टे की तरह भून जाए, जल्दी आकर इनको गिनो। देखो अपने अपने चेहरे देखो, तुम लोग तो ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे मेरे पीछे सोना नहीं खाली हाथ गाड़ियों। सोना कहाँ है? वही तो मैं कहना चाहता था हुजूर। देखिए ये क्यों कहा? सोना कहाँ है? सोना, सोना, गुलबदन से अली के बारे में कुछ ना कुछ तो पता लग ही सकता है।
जो शहजादी के काम आए। शर्म, बे गैरत, बे मुर्रवत बिल्ली, मेरा मतलब है पिद्दी, कसम सोने की अशर्फियों की। अरे अभी तो मेरे गुल्लू का पीछा छोड़ दे, अभी तो वो शादीशुदा है, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितना खुश है, फिर भी तो उसके कमरे में ताका झाकी कर रही है। अभी मैं उसके पीछे कब थी? वे 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 वे, कसम सोने की अशर्फियों की, कितनी भोली बन रही है, पर तू भोली नहीं बन सकती। पूछ क्यों? क्योंकि भोली तो मेरी बहू है ना। मैं क्या बोल रही हूँ? आप वो रईस भी है, मैं वो खूबसूरत भी है। अरे उसके तो अब्बा इतने बड़े सौदागर हैं, वो हिंदुस्तान से बहुत सारी दौलत लाने वाले हैं, वो दौलत सारी ला चुके हैं। आप तब से बोली जा रही, चुप ही नहीं हो रही, इसीलिए मुझे चीखना पड़ा। अगर मैं नहीं चीखती तो आप बकबक करती, अगर आप बकबक करती तो मुझे गुस्सा आ जाता, मुझे गुस्सा आ जाता तो मैं शहजादी को बताती, मैं शहजादी को बताती तो वो आपको यूं महल से निकाल कर फेंकती। नहीं बेटी, मैं कहाँ चिल्लाई, मेरी तौबा। तू तो कितनी अच्छी है, मैं सिर्फ तुझे समझा रही हूँ कि बेटा अभी तो गुल्लू का पीछा छोड़ दे, अभी वो शादीशुदा है, अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है, उसकी खिड़की में ताका झांकी मत कर, तुझे भी तो लड़का मिल गया। भले ही वो इतना खूबसूरत ना हो, भले ही वो मेरे गुल्लू की तरह रईस ना हो, भले ही उसकी अम्मी मेरी अम्मी की तरह अच्छी हो, को मेरा सलाम कहना। जाती हूँ, तेरे चाचा ने कहवा बना दिया होगा। अरे मर गए क्या? ये चाची ने ना अपनी मोटी टांग अड़ा दी, वरना मुझे अली के बारे में कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाता। दोबारा कोशिश करनी होगी। सुबेदार साहब आंखें खोलिए, होश में आए सुबेदार साहब, आंखें खोलिए। सुबेदार साहब इतना बड़ा मैदान है, कहीं पे भी सो लीजिए। मैं उस सोने की बात कर रहा हूँ जो हाथ गाड़ियों में था। कहाँ है वो? हमने कुछ नहीं किया हुजूर, हमें जाने दीजिए। कहाँ है वो सोना? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? तुम में से एक सिपाही है जिसके चेहरे पर चोर है, बताओ कौन है वो चोर जिसने वो सोना चुराया? कौन है? हमें कुछ नहीं पता हुजूर। देखो या तो सच बोल दो या मत बोलो, क्योंकि अब तो वज़ीर-ए-आला की तलवार ही बोलेगी। याद आया हुजूर, आंधी के वक्त ये गायब था, मुझे तो लगता है सारा सोना इसी ने चुराया है, यही चोर है हुजूर। ना चोरों को तेरा मामा और तेरा चाचा है? तेरे मामा चाचा भी याद है, कहाँ है वो? वो तो घर पे है, लेकिन मेरे ख्याल से सारा सोना उसी ने चुराया होगा जो हाथ गाड़ियों के सबसे करीब खड़ा रहा था। कौन है वो गुस्ताख? मैं जानता हूँ, बता कौन? आप हाथ गाड़ी के सबसे करीब आप ही तो थे, और सोने की गिनती भी तो आप ही कर रहे थे। वो तो मैं ही कर रहा था। देर हो गई, वज़ीर आला इंतजार कर रहे होंगे ना, चलिए हमारे साथ। चलिए हुजूर, मेरा प्यारा उल्लू गुल्लू। शाबाश, कितनी सफाई से काम किया है तुमने अंगूठी छाप। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? शुक्रिया आका, जितनी बार आप मौका देंगे उतनी बार। आका, बेचारा गुल्लू से और उसके सिपाहियों को लगता है कि सोना हाथ गाड़ियों से गायब हो गया।
उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वहां सोना कभी था ही नहीं। वो सोना और वो आंधी दोनों मेरा बनाया हुआ वहम था। गुलबदन का चेहरा देखने लायक था आका। फिलहाल तो सफर का चेहरा देखने लायक होगा। सोना हाथ गाड़ी आंधी चोरी गायब नहीं पता। जिंदा रहना है तो हमें फौरन बता दो कि सोना कहाँ है। वजीर आला, जिंदा तो मैं रहना चाहता हूँ पर सच में मुझे नहीं पता कि सोना कहाँ है। आपकी कसम। नहीं, मेरा मतलब आपको पता मैं अपने सूखे पत्ते जैसे अम्मू की झूठी कसम खा सकता हूँ लेकिन आपकी नहीं वजीर आला। आंधी में किसने सोना चुराया ये मैं देख नहीं पाया। सोना कहाँ छुपाया है सच सच बता दो वरना एक चीज और नहीं देख पाओगे वो है कल सवेरे का सूरज। जुनैद जी मैं तो वैसे ही देर से उठता हूँ तो सुबह का सूरज तो अक्सर देख ही नहीं पाता हूँ ना मैं। बंदर की जात। मैं यहाँ लतीफा नहीं सुना रहा। मेरे कहने का मतलब ये है सच सच बता दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वजीर आला आप सोचिए एक बार सोचिए रेगिस्तान में इतने सारे सिपाही थे अगर मैंने सोना चुराया होता तो उन्होंने देखा होता क्या वो मुझे गिरफ्तार नहीं कर लेते। ये भी तो हो सकता है कि तुमने उन्हें खरीद लिया हो क्योंकि सोना तो इतना था कि एक नहीं 100 सल्तनत की फौजें खरीदी जा सकती हैं उसमें। आपको पता भी है जुनैद भाई मैं बहुत ही चिंदी चोरों के खानदान से हूँ। मैंने आज तक मुर्गी का अंडा नहीं खरीदा है और आप फौजों की बात कर रहे हैं। रब हम तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी सात पुश्तों से इसकी वसूली करेंगे। आप अपना शौक पूरा करने के लिए मेरा सर कलम कर दीजिए लेकिन एक बात सोचिए अगर मैंने सोना चुराया होता तो मैं ये किस्सा सुनाने वापस यहाँ आता। चोर कहीं गया। अगर मैंने सोना चुराया होता तो मैं ये किस्सा सुनाने वापस यहाँ आता। चोर कहीं गया। आका, माना कि ये बेवकूफ गुलबदन बददिमाग है लेकिन इतना भी बददिमाग नहीं कि सोना चुराने के बाद पूरा वाकया बयां करने यहां आ जाए। मेरे हिसाब से ये सच कह रहा है। तो फिर हमारा सोना गया कहां? मुझे पता है बको। जहां तक मैं समझता हूं इस पूरे महल में सिर्फ एक ही वो शख्स है जिस पे आज तक मुझे भरोसा नहीं हुआ और वो है अली। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे वाकये में अली का हाथ है। अगर तुमने अपना काम सलीके से किया होता तो सोना कहाँ गया किसने लूटा ये सारे फिजूल सवाल तुमसे नहीं करने पड़ते। अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो तुम। वजीर आला,